स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम ऐसे समाज में रह रहे हैं? क्या हमने ऐसा समाज बनाया है? यहाँ भूख नहीं है, कोई भूखे पेट नहीं सोता है, सबको इंसाफ मिल रहा है। क्या हम ऐसे समाज में हैं? अगर नहीं है तो हम ऐसा समाज बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? सबसे पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए। आपने ये वीडियो क्लिप देखा, ये वीडियो क्लिप मात्र एक कल्पना नहीं है। कभी ना कभी किसी के साथ ये ज़रूर हुआ होगा और वो सोचता होगा कि आखिर ये भूख कब मिटेगी। इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ हैं डीके साहब। ये कटरा के रहने वाले हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। कुछ इनकी विशेषताएं मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ जाएगा कि डीके साहब कौन हैं। कुछ देर पहले 27 अगस्त को एक वीडियो रिलीज हुआ था YouTube पे, जिसका नाम था भूख। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये कहानी कल्पना नहीं है, कभी ना कभी किसी के साथ ये घटित हुआ होगा, लेकिन इसको स्क्रीन पे उतारा है। ऐसा समाज का निर्माण करने के लिए, ऐसे समाज का निर्माण करने के लिए, ऐसी मानसिकता का निर्माण करने के लिए, जो जो ये वीडियो देखें वो इसको अपनाएं, ताकि कभी किसी मोड़ पे अगर उनके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वो एक हीरो का रोल अपनाएं। कभी ऐसे विचार मन में आ जाएं तो ये वीडियो उनको याद दिला देगा कि नहीं जनाब, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें एक मजबूत समाज चाहिए। उसी के लिए डीके साहब ने ये शॉर्ट फिल्म बनाई है जिसका नाम है भूख। आखिर ये भूख कब मिटेगी? सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। और डीके साहब के बारे में मैं एक चीज़ और बता दूं, सबने मूवी देखी होगी बाटला हाउस। बाटला हाउस जॉन अब्राहम साहब की वो फिल्म है, उस फिल्म में इन्होंने रोल निभाया है, एक रिपोर्टर का रोल निभाया है। जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं ये, तो ये बड़ी बात है। और नई मूवी आ रही है आउवां शिंदा, डोगरी में है, प्रोड्यूसर भी यही हैं और मेन लीड में भी डीके साहब हैं। डीके साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। डीके साहब ये बताएं कि ये भूख का ये आइडिया मन में कैसे आ गया, क्यों मुझे ये सर्व करना है? सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा, आपने इस काबिल समझा कि मेरे जैसे एक छोटे से एक्टर को उसका जो एक इशू जो उसने उठाया, उसको इशू को, उस मुद्दे को समाज में लाया जाए। सर, हम कोरोना के चलते लॉकडाउन में हम फंसे हुए थे घरों में, कोरोना का डर था कि किस तरह जीना है, आगे कैसे समय आएगा, हर चीज़ों की बड़ी कमी चल रही थी, खाना कैसे आगे, मतलब खाना कैसे खा पाएंगे, रोटी कैसे कमाएंगे, बड़ी सारी चीज़ें थी माइंड में, क्योंकि लॉकडाउन हुआ पड़ा था। हम सर सोशली कुछ काम करने के लिए जब हम निकले समाज में, मैं और मेरी टीम, तो सर कुछ लोग हमें भूख के चलते, कुछ लोग हमें कुछ ऐसे मिले जो ये करेक्टर है, ये प्रेरित है किसी एक शख्स से। मैंने एक ऐसे शख्स को रियलिटी में देखा जो दर दर की ठोकरें खा रहा है, जो शायद जिसके नसीब में एक ब्रेड पीस तक नहीं है, और वहाँ से सर मैं इंस्पायर हुआ कि क्या समाज आज ऐसा भी है जहाँ पे हम सर मॉल्स में जाके हज़ारों रुपये हम पॉपकॉर्न्स पे, पिज़्ज़ाज पे खर्च कर लेते हैं। हम किसी को 20 या 30 रुपये या 50 रुपये एक किलो आटा के लिए नहीं दे सकते, या हम हरास करते हैं ऐसे बंदों को, हम वेटर्स को टिप दे देते हैं। हम अगर हमारा बिल 700-800 बनता है, हम 200 टिप दे देंगे। Absolutely. लेकिन कोई मांगने अगर हमारे दरवाजे पे आएगा, अगर एक मुट्ठी अगर वो चावल मांग रहा है या वो एक कटोरी आटा मांग रहा है, तो हम लोग उसको नहीं देंगे, भगा देंगे। और हम अपने बच्चों को भी ये बोलते हैं कि ऐसे लोगों के मुंह लेते दरवाज़ा बंद कर दो। तो सर वो एक चीज़ मेरे को माइंड में स्ट्राइक कर रही थी कि हम कुछ ऐसा अब मैसेज देना चाहता हूँ मैं समाज को, जो झंकोड़ दे, जो आत्मा को हिला दे, अंतरात्मा को हिला दे कि क्या ऐसा भी समाज है, क्या ऐसे भी लोग हैं जो आज रोटी की भूख से पीड़ित हैं, मर रहे हैं, हवस की भूख से कुछ लोगों को हरास करते हैं, कुछ लोग वो यातना भी सहन करते हैं, कुछ महिलाएँ वगैरह, और कुछ लोग जिन लोगों को पैसे की बड़ी भूख है, जो इंसान को इंसान नहीं समझते, जिनके लिए पैसा सर्वप्रिय है, इन सभी का कटाक्ष, इन सभी का व्यंग एक फिल्म में हमने कोशिश की है कि इन तीनों एंगल्स को एक फिल्म में हम दिखाने की कोशिश की, और फिल्म का नाम है भूख।
समाज में ये फिल्म सर हमने YouTube चैनल पर डाल दी है, लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि ऐसा काम पहले नहीं देखा, बहुत बाकाबिल तारीफ काम है। लेकिन क्या सर ये काम सिर्फ कमेंट्स तक सीमित रह जाएगा? क्या हम उनसे इंस्पायर नहीं होंगे? इसको अपनाना पड़ेगा, इसको सर अपनाना पड़ेगा। अगर इस मेरी शॉर्ट फिल्म से 3 बंदों का या 4 बंदों का भी हृदय परिवर्तन होता है, उसका इंडेक्स ऑफ माइंड या उसका नेचर चेंज होता है, वो थोड़ा सा दयावान बनता है या वो थोड़ा सा हम्बल होता है या कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, मैं समझता हूँ सर ये भूख जो है एक पुण्य का काम करेगी। जैसे कि हमने आपको पहले कहा कि ये एक कल्पना नहीं है, ये इमेजिनेशन नहीं है कि बैठ कर अपने बेडरूम में सोचा। मुझे लगता है जब हम ये बातचीत कर रहे हैं किसी के साथ घटित हो भी रहा होगा, किसी के साथ हो रहा होगा इस वक्त, क्योंकि एक बड़ी आबादी है हिंदुस्तान की। तो हम ब्लेम करते हैं पुलिस को, जनाब हमारी सुनवाई नहीं हुई, हम ब्लेम करते हैं सरकार को, हमें अपने प्रॉपर राशन नहीं दिया, या फिर हम इस काबिल ही नहीं है कि कमा सकें। तो हमें ऐसा समाज क्रिएट करना है, ऐसे लोगों से समाज है। समाज की परिभाषा क्या है? समाज किसी दफ्तर का नाम नहीं है, किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है, समाज नाम है लोगों का, ए ग्रुप ऑफ पीपल, वो समाज बनाते हैं। अगर हम उनकी मानसिकता चेंज कर पाएँ तो मुझे लगता है बड़ी अच्छी कोशिश की है इस बुक के ज़रिए। डीके साहब ने एक अपनी बात सामने रखी है, काफ़ी लोग इसको पसंद करेंगे। यूट्यूब में अभी ये चल भी रही है, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। ये आखिर ये बुक कब मिटेगी? लेकिन डीके साहब आपसे ये भी जानना चाहूँगा, अक्सर बात की जाती है जम्मू में कि डोगरी को प्रमोट किया जाए। मुझे लगता है कि वो पुरानी जो एक फ़िल्म आई थी डोगरी में गीटियाँ, उसके बाद तो कोई मूवी आई नहीं। आऊँ शिंदा कब तक रिलीज़ हो जाएगी? सर सबसे पहले तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम डोगरे पैदा हुए हैं, डोगरे ही मरेंगे। हम अपने कल्चर को भूल रहे हैं, मातृभाषा को भूल रहे हैं, हमें डोगरी बोलने में शर्म आती है। एक पंजाबी पंजाबी बोलता है, कश्मीरी कश्मीरी बोलता है, इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश में बोलेगा। हम लोग डोगरी को समझे कि नहीं यार ये नहीं बोलनी, इससे मतलब इससे लगता है कि तू बड़ा अनपढ़ है, हम अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाते डोगरी। तो सबसे पहले तो ये जो मनोदशा है, जो ये मानसिकता है, इसको चेंज करना है। दूसरी बात सर, आऊँ शिंदा बनाने का सिर्फ एक ही हमारा मुद्दा ये था कि हमने काफ़ी सारे सोशल मुद्दों पर शॉर्ट फिल्म्स बनाई, हमारे बैनर ने सुमन पिक्चर प्रोडक्शन है। शिंदा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि सर कमर्शियल ऑडियंस होना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ अगर वो डोगरी में हो तो ये हमारे लिए कहते हैं कि एक पंथ दो काज, सोने पे सुहागा। ये हम बुक की तो बात कर ही रहे हैं कि आऊँ शिंदा कब तक रिलीज हो जाएगी? आऊँ शिंदा सर सेंसर बोर्ड पास हो चुकी है, फिल्म का ट्रेलर जो है वो PVR में हम लॉन्च कर चुके हैं, फिल्म इज ऑल सेट टू रिलीज, मेरे पास वो फिल्म आ गई है रेडी होके, हमें बस वो PVR पे लगानी है। हम वेट कर रहे हैं कि कोरोना जाते ही जब हमारा जो ये जनजीवन है ये सामान्य हो, जब लोग आराम से मॉल्स में या थिएटर्स में जाना शुरू करें, बीमारी का अंत हो, तो हम इस फिल्म को जो है थिएटर पे डालेंगे, और डोगरी की प्रमोशन के लिए ये एक माइलस्टोन साबित हो। बहुत प्यार मिलेगा आपको, क्योंकि लोग इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी डोगरी की चीज़ें ऐसी आती हैं, बड़े कम लोग कर रहे हैं, लेकिन जितने भी कर रहे हैं उनका रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा मिल रहा है। तो सर हम उम्मीद करते हैं कि ये भूख जो आपने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है इसका असर हो, क्योंकि ये भी एक तरह का कंट्रीब्यूशन है। जैसे लोग किसी अपने समाज को दे क्या रहे हैं, ले तो बहुत कुछ रहे हैं, वापस क्या दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा ही हेल्दी थिंकिंग है कि इस तरह की मूवीज़ बनाना, उसको पब्लिक डोमेन में डालना, ताकि उस मानसिकता को चेंज किया जाए जो कहीं ना कहीं रहती है। तभी हम कहते हैं कि ये समाज अच्छा नहीं है, ये समाज अच्छा है। जैसे मैंने पहले बताया कि ग्रुप ऑफ पीपल वो समाज बनाते हैं। डीके साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे साथ कीमती वक्त दिया, और उम्मीद करते हैं जाने से पहले मैं जी एक जी चीज़ अपने प्रोडक्शन उसके बारे में बता दूं, क्योंकि काफ़ी सारी टीम रहती है, उन्हें भी रहता है कि हमने मेहनत की और हमारा क्रेडिट नहीं दिया गया, एफर्ट्स रहते हैं। सबसे पहले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है मेरी वाइफ सुमन गेसर ने, जिनके नाम से ये प्रोडक्शन है, कंसेप्ट और प्रोडक्शन उनकी है, प्रोड्यूस उन्होंने किया है। डायलॉग्स स्क्रिप्ट स्क्रीन प्ले और ये स्क्रीन पे डायलॉग्स जो है ये जो वो लिखे हैं हमारे जम्मू के रिनाउंड राइटर और एक्टर हैं और एक डायरेक्टर हैं विक्रम शर्मा जी ने। डायरेक्शन जो इस फिल्म की है राजेश राजपूत, एमएम सिंह ठाकुर और डीओपी की है सनी ने। मेरे साथ जो कास्ट इसमें जो काम कर रही है वो अंकुर शर्मा है, अमरीक सिंह जी हैं, मानिक शर्मा, ईशु शर्मा, ये सब इन लोगों ने काम किया है। और सर जाते जाते बोलूँगा कि सुमन केसर प्रोडक्शन के YouTube चैनल पर जाकर इस फिल्म को देखिए, अपना प्यार दें, हमारी ऊर्जा को और बढ़ाएं, क्योंकि हम अगर इस तरह का कंसेप्ट अगर आप पसंद करते हैं तो हम सोशल मुद्दों को लेकर दोबारा से इनकरेज करें। एक बार फिर बड़े आराम से बताएं कौन कहाँ जाके देखनी है सुमन, क्या बताया आपने? सुमन केसर प्रोडक्शन YouTube चैनल, YouTube पर जाके आपको टाइप करना है सुमन केसर प्रोडक्शन,
वहाँ पे आपको ये मेरा प्रोडक्शन दिखेगा, मेरी वाइफ की डीपी वहाँ पे लगी हुई है एक्चुअली, और उसके बाद आपको उसको सब्सक्राइब करना है। उसके बाद ये टॉप पे इस समय चल रही, ट्रेंड कर रही है बुक। तो इस फिल्म को आपके मात्र 12 मिनट लगेंगे, लेकिन 12 मिनट में अगर आपका हृदय परिवर्तन होता है, आपका इंडेक्स ऑफ माइंड चेंज होता है, तो हम समझेंगे हमारा ये काम पूरा हुआ, हमने पुण्य कमा लिया। एक आखिरी सवाल, बड़े कम शब्दों में जवाब देना क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ये कहाँ कहाँ शूट हुआ, लोकेशन क्या रही है इसकी? रविंद्र सर, सबसे पहली बात तो जो उसका बैकग्राउंड स्कोर है वो भी जम्मू का है, साइको ब्रदर्स हमारे भाई तीन उन्होंने ये बनाया है, जगी भाई, सोडी भाई और धीरज भाई। लोकेशंस भी सर जम्मू की ही हैं, कटरा की हैं, यानी कि लोकल कंसेप्ट, लोकल लोकेशंस, लोकल आर्टिस्ट, लोकल सब कुछ लोकल है, कुछ भी, सब कुछ डोगरा है, सब कुछ डोगरा है, स्वदेशी है, विदेशी कुछ भी नहीं है, यानी कि स्वदेशी हमारा डोगरा है। तो जाके इसको जरूर देखिएगा, भूकांत सुमन केशव प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया डीके साहब। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये बुक एक शॉर्ट फिल्म नहीं है, एक मैसेज है, एक मैसेज है, एक कंट्रीब्यूशन है। जो भी इस शॉर्ट फिल्म को देखे, इसको अपना ले। अगर मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग इसको अपना लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हमें फिर से ये बात करने की ज़रूरत है कि जनाब इनजस्टिस, गलत चीज़ें हो रही हैं, निकलती समाज से हैं, पहुँचती हैं जस्टिस के लिए। लेकिन अगर ये पैदा ही नहीं होंगी तो पहुँचेंगी कहाँ पे? यही थी जनाब एक कोशिश थी डीके साहब की। उम्मीद करते हैं कि जो कोशिश आपको बहुत पसंद आए, आप YouTube में ये भूख जो शॉर्ट फिल्म है ये देखें और अपने समाज को एक हेल्दी समाज बनाएं। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।